नेल्सन मंडेला तकरीबन 27 साल से ज़्यादा वक्त जेल में गुजारने के बाद भी आखिर साउथ अफ्रीका के सदर बन गए तो अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ शहर घूमने गए। वहीं रास्ते में होटल में खाना खाने बैठ गए। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपना खाना आने का इंतज़ार कर रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने सिक्योरिटी अफसर से कहा, उस शख्स से कहें अपना खाना लेकर हमारी टेबल पर आ जाए और यहीं बैठकर हमारे साथ खाए। वो शख्स आ गया। खाना खाने के दौरान उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। खाना ख़त्म करके वो चला गया तो नेल्सन मंडेला का सिक्योरिटी अफसर ने कहा, ये शख्स बीमार लगता था क्योंकि इसके हाथ कांप रहे थे, हालत भी ठीक न थी। तो मंडेला ने जवाब दिया, नहीं, ये बीमार नहीं, डरा हुआ था कि शायद मैं इसके साथ वही सलूक करूँगा जो ये मेरे साथ जेल में करने का आदि था। मंडेला ने बताया कि मैं जिस जेल में कैद था ये वहाँ गार्ड था, ये मुझ पर शदीद तशद्दुद किया करता था। जब मैं निहाल होकर पानी मांगता तो ये मेरे सर पर पेशाब तक किया करता था। आज उसके हाथ इसलिए कांप रहे थे कि मैं सदर हूँ और उसे लगा मैं इंतकाम लूँगा, लेकिन इंतकाम एक ऐसा जज्बा है जो कौम की तामीर में मदद देने की बजाय उसे बर्बादी की तरफ ले जाता है, जबकि सब्र और सिला रहमी का जज्बा कौम की तामीर में मदद देता है। नेल्सन मंडेला ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए एक तारीखी सच इन अल्फाज में बयान किया कि कमज़ोर शख्सियत के लोग मुआफ़ करने में ताखीर से काम लेते हैं, जबकि मजबूत किरदार के लोग मुआफ़ करने में देर नहीं करते।